नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे बिहार पुलिस स्क्वाड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2019 जो कि आ चुका है। ऑनलाइन फॉर्म कब से भराएगा, पूरा प्रक्रिया इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, नोट इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना आपको देना है, टोटल वैकेंसी कितनी रिलीज की गई है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखेंगे कि कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो पोस्ट है इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें देखेंगे जो कि वेबसाइट पे यहाँ पे आप डाल दिया गया है। यहाँ पे वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये जो वैकेंसी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बिहार पुलिस स्क्वाड कॉन्स्टेबल की भर्ती है, तो हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल से इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे पूरा वैकेंसी का डिटेल्स डाल दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 28/10/2019 को डाला गया है वैकेंसी, और यहाँ पे देखेंगे बिहार मोबिलिटी स्क्वाड कांस्टेबल, देखो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में दिया गया है पूरा, हम नोटिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद आप कैसे यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे यहाँ पे आपको, और यहाँ पे बात करेंगे मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ हाइट और उनके रन और यहाँ फिजिकल फिटनेस की बात होगी, तो रनिंग टाइम और कितना रन करना है आपको, गोला फेंकना है, ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे फिजिकल फिटनेस में, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स यहाँ से हम बात करेंगे पहले, उसके बाद हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं, नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया है। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और हम यहाँ से बात करेंगे केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, सरदार पटेल भवन, छठा तल्ला, जवाहर नेहरू मार्ग, पटना, ठीक है। यहाँ से देखेंगे परिवहन विभाग के अंतर्गत चलन दस्ता सिपाही, यहाँ पे 496 रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी भर्ती की नियुक्ति का विज्ञापन है, और यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम तिथि दी गई है कि 29/11/2019 तक आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना है, यानी कि अंतिम तिथि दिया गया है, विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पे जो आपको पे ग्रेड यहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है 5200 से लेकर 20200 तक आपका यहाँ पे रहेगा वेतन, और पे यहाँ पे दिया गया है पे ग्रेड पे यहाँ पे 2900 रहेगा, और पुनर्निरीक्षक वेतन यहाँ पे भी दिया गया है कि यहाँ पे 19900 से लेकर 63200 तक मैट्रिक लेवल 2 से, और रिक्त जो पद है यहाँ पे आपके 496 पद पर भर्ती यहाँ पे की जा रही है। तो बहुत ही अच्छा एक मौका है जो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की, चलन दस्ता सिपाही पद के लिए आपको अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, चलन दस्ता सिपाही के लिए पदों की शैक्षणिक योग्यता इंटर पास होनी चाहिए, अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड के साथ आपने मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृति बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी साहित्य अथवा आचार्य अंग्रेजी साहित्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता अर्हता ली हो, तो इसमें आप अप्लाई करेंगे फॉर्म। इसके साथ साथ आपको मोटर वाहन चालक में आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी इसमें मांगा गया है, तो आपके पास देखिए आपके पास हल्का मोटर वाहन का भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस या यहाँ पर दिया गया कि पहिया एवं चार पहिया, दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आपके पास दिया गया कि हैवी मोटर व्हीकल के पास आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कोई इसमें से एक होना चाहिए, हल्का मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस या भारी दिया गया है कि हैवी मोटर व्हीकल चलाने का और चालन का आपके पास इसमें ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी वैकेंसी जो दी गई है, वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहाँ पे वैकेंसी दी गई है जो 496 इसमें पद दिया गया है, जिसमें से जनरल के लिए 197 पद है, और इसके बाद बीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 59 पद दिया गया है, और इसके बाद यहाँ पे आपको ईबीसी जो कैंडिडेट हैं ईबीसी इनके लिए यहाँ पे 89 पद दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 49 पोस्ट दिया गया है,
और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे बीसी कैंडिडेट महिला के लिए, फीमेल के लिए, यहाँ पे बीसी फीमेल के लिए आपको यहाँ पे 15 पद अलग से रिजर्व किया गया है। और इसके बाद आप एसी कैंडिडेट के लिए हम यहाँ बात करेंगे 79, और इसके बाद यहाँ पे एसटी कैंडिडेट के लिए हम बात करेंगे 5 पद दिया गया है। अभ्यर्थी की उम्र सीमा यहाँ पे हम बात करेंगे कि उम्र क्या होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। देखिए उम्र इसमें अप्लाई करने के लिए आपको दिया गया है कि काउंट होगा 1/8/2019 से इसमें काउंट होगा। मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार इसमें सामान्य वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए 18 वर्ष न्यूनतम रखी गई है और 25 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है इसमें एज। और पिछड़ा वर्ग यहाँ पर दिया गया है कोटी एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष का न्यूनतम 18 दिया गया है, अधिकतम 27 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 28 वर्ष दिया गया है एज होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। और यहाँ हो गया महिला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष और महिला के लिए 18 वर्ष मैक्सिमम 30 वर्ष दिया गया है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो ये हो गया आपका एज, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड। अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड हम यह देखेंगे, यहाँ पर ऊंचाई की बात की गई है, सीना की बात की गई है। तो ऊंचाई यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होना चाहिए अनारक्षित वर्ग पुरुष एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए, और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पे 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं पुरुष के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए यहाँ पे 162 सेंटीमीटर रखा गया है। हाइट की बात हो रही है। और इसके बाद हम यहाँ पर सीना की बात करेंगे। जो सीना इसमें रखा गया है चेस्ट, उसकी देखिए जनरल ओबीसी की 81 और 86 रखी गई है, यानी कि 81 होना चाहिए नॉर्मल आपका बिना फुलाए, और फुलाने के बाद यहाँ पे 86 होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर न्यूनतम ये बात की गई, 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, अधिकतम आप कितना भी फुला सकते हैं। और इसके बाद एसी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 79 है और 79 79, और यहाँ पे फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रनिंग की। रनिंग इसमें जो होनी चाहिए, रनिंग की बात यानी कि दौड़ इसमें होगी, जो पुरुष के लिए यहाँ पे दिया गया है कि 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट में दौड़ना है। महिला के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। ये तो हो गई। उसके बाद हाई जंप होगी आपकी, हाई जंप होगी यानी कि ऊंची कूद जो होगी पुरुष के लिए, यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए यहाँ 4 फीट आपको कूदना है, पुरुष के लिए 4 फीट आपको ऊंची कूद करना है, महिला के लिए 3 फीट दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद गोला फेंक करना है। गोला फेंक के लिए आपको 16 पाउंड का वेट का दिया जाएगा, आपको 16 फीट फेंकना है, ठीक है। 16 पाउंड का वेट रहेगा, 16 फीट आपको फेंकना है। महिला के लिए 12 पाउंड का दिया जाएगा 12 फीट फेंकने के लिए, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप करेंगे इसमें यदि आप अप्लाई करते हैं तो। इसमें हम लोग चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि चयन प्रक्रिया इसमें कैसे आपका होगा। चयन प्रक्रिया जो इसमें लिया जाएगा, एक प्रथम यहाँ पर लिखित परीक्षा ली जाएगी जिसमें से आपको इंटर लेवल पर ये परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें से 100 अंक के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, यानी कि 100 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। 2 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के, एक प्रश्न एक नंबर का रहेगा। और देखिए जो चयन प्रक्रिया आपकी लिखित परीक्षा का मतलब 30% अंक आपको लाना है ताकि आप फिजिकल फिटनेस में यानी कि शारीरिक क्षमता जो होगी, शारीरिक क्षमता की आपकी जांच जो होगी, दक्षता की जांच होगी, उसमें आप चले जाएँ, यानी कि जो लिखित परीक्षा होगी क्वालिफाइंग मार्क्स होगी, इस पर आपको सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन जो होगा आपका शारीरिक क्षमता पे सिलेक्शन होगा, जिसमें से दौड़ होगा, जिसमें से आपको 100 अंक का यहाँ पे शारीरिक दक्षता कुल 100 अंक की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें से दौड़ में आपको यहाँ पर दिया गया अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सभी चीज़ दी गई है जो मैंने बताया कि आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, ठीक है। इसमें से आपका रखा गया है यदि 5 मिनट से
कम समय लेते हैं तो 50 अंक मिलेगा, 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड लेते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा, 5 मिनट से लेकर आपको 5 मिनट 20, यानी कि 5 मिनट से 40 सेकंड ज़्यादा लेते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। वैसे ही आपका यहाँ पे अंक निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका महिलाओं के लिए दिया गया है, महिलाओं के लिए भी वही चीज़ यहाँ पे नियम लागू होगी, 4 मिनट महिलाओं के लिए दिया गया है। इसके बाद गोला फेंक में आपको 25 अंक दिया जाएगा। वैसे ही आपको यहाँ पे सभी चीज़ निर्धारित की गई है कि यदि आप 16 फीट से लेकर 17 फीट तक आप फेंकते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 9 अंक रखा गया है वो दिया जाएगा। ठीक है, 16 पाउंड का आपको गोला फेंकना है, 16 फीट फेंकना है। ठीक है, वैसे ही आपका निर्धारित किया गया कि जैसे जैसे कम आप फेंकेंगे वैसे वैसे आपका कम अंक यहाँ पर दिया जाएगा गोला फेंक में। ऊंची कूद में भी वही 25 अंक दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो वैसे ही आपको 4 फीट से अगर ज़्यादा आप ऊंची कूद करते हैं तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे अंक दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। मेघा सूची आपकी तैयार की जाएगी आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पे। ये सभी चीज़ें जैसे आपको ऊंची कूद हो गई, दौड़ हो गया, कूद हो गया, आपका गोला फेंक हो गया, ये सब सभी चीज़ों के लेकर यहाँ पे आपकी तैयार की जाएगी आपकी मेघा सूची। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्स है, बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको अप्लाई का लिंक भी दे दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे एक चीज़ बात करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 29/10 से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, 29/10/2019 से। ठीक है, अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और 29/11 तक अप्लाई, यानी कि 1 महीना समय दिया गया है आपका इसमें अप्लाई करने के लिए। और देखिए